क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको देख के आपको करेक्ट फील करना है. वन डे टू घी मर्चेंट्स नेम गोविंद एंड किशन केम टू अकबर. गोविंद और किशन कहाँ पर आए? अकबर के पास आए. ये घी मर्चेंट थे, घी के व्यापारी थे. गोविंद हैड अ डैश अगेंस्ट किशन. गोविंद के पास क्या थी? कंप्लेन थी किशन सेट के अगेंस्ट. गोविंद सेट सैड, सर आई लेंट अ लार्ज डैश ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू किशन, बट ही डिड नॉट रिटर्न इट. मैंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उधार दी थी किशन सेट को, बट अब वो रिटर्न नहीं कर रहा है. किशन सेट सैड, सर आई डिड नॉट बोरो एनी मनी फ्रॉम गोविंद. किशन सेठ ने क्या कहा? मैंने कोई उधार नहीं लिया है गोविंद सेठ से. अकबर सेठ, कम टू मी आफ्टर अ वीक, आई विल गिव माई जजमेंट, मैं अपना निर्णय दूंगा, एक वीक बाद आना. द मर्चेंट्स वेंट अवे, मर्चेंट्स चले गए. देन अकबर कॉल्ड बिरबल एंड आस्क्ड हिम टू फाइंड आउट द. अकबर ने बिरबल को क्या कहा? फाइंड करने के लिए, ट्रूथ, सच क्या है, पता लगाने को कहा. नेक्स्ट डे बिरबल गेव अ, बिरबल ने क्या दिया उनको? टिन ऑफ घी, एक घी का कंटेनर दिया टू ईच मर्चेंट. देयर वॉज अ गोल्ड कॉइन इन साइड ईच टिन, और दोनों टिन के अंदर क्या था? सोने का सिक्का था. ही आस्क्ड देम टू डैश इट, क्या करने को कहा उसने? सेल करने को कहा, बेचने को कहा. एंड पे बैक द मनी दे गेट आफ्टर सेलिंग इट, और उससे जो मनी मिलती है वो देने को वापस कहा. द मर्चेंट नेम्ड गोविंद केम टू बिरबल एंड गेव बैक अ गोल्ड कॉइन. जो गोविंद सेठ था उसने गोल्ड कॉइन बिरबल को दिया. दस बिरबल डिसाइडेड हु हैड टोल्ड द ट्रूथ, उससे बिरबल पता लगा सके कि कौन ट्रूथ बोल रहा है. एंड दस बिरबल फाउंड आउट हु द डिसऑनेस्ट पर्सन वॉज, और बिरबल ने पता लगा लिया कि डिसऑनेस्ट पर्सन कौन है. ओके okay?